Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to our YouTube channel जया की दुनिया। आज हम देखेंगे घर पर ही सिंपल से नेचुरल लिप बाम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, लेट्स स्टार्ट। इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा रोज फ्लावर। इस तरह के रेड डार्क कलर वाले रोज फ्लावर चूज कर लें या लाइट पिंक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाली वाला कोई भी एक बास्केट ले लें। इसके लिए हमें ज्यादा से रोज फ्लावर्स की भी जरूरत नहीं है, बस 4 से 5 फ्लावर्स ही ले लें। बट हमारे रोज फ्लावर्स एकदम फ्रेश होना चाहिए। रोज फ्लावर पेटल्स कलर चेंज हो जाता है, यानी 2 से 3 दिन रखने के बाद साइडों से लाइट येलो कलर आते हैं, उस तरह के पेटल्स को अवॉइड करें। फ्लावर का हर एक पेटल फ्रेश रहे और डार्क कलर में होना चाहिए। सबसे पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही हल्के से वॉश कर लें। धूल गरज दूर हो जाके हमारे गुलाब के पत्तियां फ्रेश हो जाएंगे। कौन सा भी एक नीट कॉटन टवल या कॉटन क्लॉथ लेकर जस्ट लाइट से इस तरह से प्रेस करके इस तरह सारे पत्तियों को पोंछ लें। हाँ जी, हर एक पत्ती अच्छे से सूख जाना चाहिए, इसके लिए हमें धूप में रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही हल्के से पोंछ कर हम इसको सुखा लेंगे। सारी पत्तियां सूख जाने के बाद हम इसको इस तरह क्रश कर लेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल नेचुरल होममेड लिप बाम रेसिपी है। आप लोग भी इस नेचुरल रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं है, बस हम इसको लाइट से क्रश करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 स्पून कोकोनट ऑयल। अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल के रिप्लेस में वैसलीन का भी यूज कर सकते हैं। फिर से एक बार इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से अच्छे से मिक्स होने के लिए हम इस पेस्ट को कुक करना यानी बॉईल करना होगा, बट हम डायरेक्ट बॉईल नहीं करेंगे। जी हाँ, रोज पेटल्स कोकोनट ऑयल को डायरेक्ट बॉईल मत कीजिएगा, क्योंकि पेटल्स जल जाने के चांसेस होते हैं, तो हम डबल बॉइलिंग प्रोसेस से इनको हीट करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पैन। इसके अंदर हमें तकरीबन 2 ग्लास वाटर ले लीजिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। पेस्ट को हम इस तरह इनडायरेक्ट इसके अंदर रखकर हमें इस तरह 10 मिनट्स तक कुक होने देंगे। इस प्रोसेस से ये होता है कि पेटल्स के अंदर जितना भी जूस सेल्फ पर्पस रहेगा वो निकलेगा, और जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था ऑयल, वो इन दोनों का अच्छे से मिक्स होगा। पेस्ट को ठंडा होने के बाद छन्नी के हेल्प से हम इसको छान लेंगे। इस तरह स्पून की हेल्प से अच्छे से प्रेस करके निकालें। अगर फिर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज इसके अंदर छुपा हुआ रहता है, ये देखें, तो हम क्या करेंगे, एक नीट कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, उसके अंदर ये हमारा पेस्ट डालकर फिर से हम अच्छे से स्क्वीज करेंगे। देखिए आप ही कितना रस निकलेगा। ये हमें लिक्विड फॉर्म में दिखेगा, बट जब हम इसको सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे, इसको रखने के लिए कौन सा भी एक एम्प्टी बॉक्स ले लीजिएगा। अगर आप कौन सा भी यूजेबल बॉक्स ले रहे हैं, तो पहले बॉक्स को अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के बाद यूज कर लीजिए, क्योंकि हम इसको अपने फेस पर, होठों पर, चीक्स पर अप्लाई करते हैं। सेट होने के बाद ये देखें, फ्रीजर से निकालने के बाद ये इस तरह जम गया। अब यहाँ पर हम कोई भी एक स्टिक लेकर इस तरह मिक्स करके एक 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में रखेंगे। ये देखें, फिर से लिक्विड फॉर्म हो गया। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये हो गया जी फाइनल हमारा लिप बॉम रेडी। हमने डार्क रेड कलर वाले रोज फ्लावर्स यूज किए थे, तो इसका पेस्ट का कलर भी डार्क रेड में आया है। अगर आप चाहें तो लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही उसको एक बार प्रिपेयर करके रखा था, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। इस तरह के अगर आप
लाइट कलर के फ्लावर्स यूज करेंगे। तो देखिए इसका पेस्ट, दोनों रेसिपीज भी इक्वल होते हैं बट डिफरेंट कलर का ही होता है। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो लाइट पिंक सा कलर आता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की ये रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जोया की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर।